सो हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। आज हम आपके लिए वापस से लेके आ गए व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन पार्ट टू। सो आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्राउच वाले प्लेयर्स को कैसे इजीली किल करें। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जो भी प्लेयर क्राउच कर ले जाए तो स्नाइपर की बुलेट उसके आर पर चली जाती है। सो गाइस, आज हम यही बताने वाले हैं कि उन प्लेयर्स को कैसे किल करें। सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देख सकते हैं ये प्लेयर क्राउच हुआ हुआ है। अगर मैं इसको शूट करूं तो इसके आर पर गोली चली जाएगी। अगर आप इसे मिली शॉट से भी मारोगे तो गाइस गोली आर पर चली जाएगी। सो गाइस, इन प्लेयर्स को मारने का एक तिकड़म है कि गाइस इनके पैरों पर शूट कीजिए। सो गाइस, पैरों पर जब भी हम शूट करते हैं तो गाइस डैमेज लगता है। सो गाइस, क्राउच के वाले प्लेयर्स के लिए तो यही तिकड़म है कि उनके पैरों पर गोली मारें। सो गाइस, मैं आपको एक और बार करके दिखा देता हूँ, इस बार थोड़ी दूर से। और देखिए, इस बार भी मैंने पैरों पे ही गोली मारूंगा और देखिए प्लेयर्स को गोली लग गई और इजीली वो किल हो गया। सो गाइस, अब हम वापस से ट्राई करते थोड़ा दूर से। सो गाइस, देख सकते हैं मैं इतना दूर आ गया हूँ। और गाइस, अब हम इस प्लेयर को शूट करते हैं और गाइस देखिए कितना ईजिली ये प्लेयर किल हो गया। सो गाइस, यही थी आज की हमारी टिप। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।